खबर अमरोहा से, जहां कैंटीन संचालक की हत्या का हसनपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद अमरोहा की कोतवाली हसनपुर का है, जहां पुलिस अधीक्षक अमरोहा आदित्य लांगे के कुशल निर्देशन के एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत राजीव कुमार अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी हसनपुर अभिषेक यादव के निकट पर्यवेक्षण में 26 तारीख को थाना हसनपुर पुलिस द्वारा 23 तारीख को व्यापारी राजेंद्र कुमार ठाकुर की हत्या के मुख्य आरोपी व सह अभियुक्त भाई फारूक पुत्र महफूज निवासी मोहल्ला का स्थान चामुंडा रोड कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के संबंध में हाजा पर धारा 651 धारा 302 120वीं बादवी धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मैं पूछताछ व अग्रिम विवेचना में मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त सुहेल पुत्र सदन निवासी राजपुर कॉलोनी कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा प्रकाश में आया था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस ने टीम प्रयासरत है। देखिए, ये प्रकरण थाना अमरोहा देहात का है, जिसमें 23 तारीख को एक काविंदर नाम के व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र 27 साल है, उसकी डेड बॉडी बोरी के अंदर मिली थी। इसमें हम लोगों ने SOG और थाना स्तर से और साथ ही सर्कल की और भी टीम्स लगाई थी इसका जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए। तो इसमें जो 302 का मुकदमा जब पंजीकृत कराया गया था, उसी में वादी के बयान के आधार पर उस नाम प्रकाश में आए थे। उसी में एक फाजिल नाम के व्यक्ति हैं, जो कि एक टेम्पो चालक है, उसका नाम प्रकाश में था, उसकी गिरफ्तारी की गई। साथ ही साथ एक हम लोग कल पुलिस मुठभेड़ भी हुई थी, उस दौरान हम लोगों ने चेकिंग लगा रखी थी। तो बाद में जब पता चला कि मुठभेड़ के दौरान दो व्यक्ति उसमें घायल हुए थे, एक हसन और एक काम, ये दोनों व्यक्ति भी इस घटना में संलिप्त थे। ये तीन व्यक्ति 302 के मुलजिम हैं। साथ ही साथ इन व्यक्तियों ने एक पहले से ऑलरेडी प्री प्लानिंग कर रखी थी इसकी हत्या करने के लिए काविंदर की। लगभग 20 से 21 दिन पहले इन लोगों का आपस में बहस हुई थी कुछ सवारी को बिठाने को लेके। तो इन तीन लोगों ने इसको फाजल के माध्यम से बुलाया था अपने गोदाम में। गोदाम ये कामिल का है। इन्होंने साथ में इकट्ठे बैठ के इन्होंने 22 तारीख की शाम को दारू पी थी, शराब पी थी, और उसी नशे की हालत में इन तीनों व्यक्तियों ने इसकी हत्या करी। साथ में वहीं पर ही बोरी में बांध के इसको अमरोहा देहात थाना क्षेत्र में इसकी बॉडी फेंक दी गई थी। इसका SOG और थाना पुलिस द्वारा, साथ ही साथ हमारे एडिशनल SP और CO साहब के माध्यम से इसका सफल अनावरण किया गया है और बाकी विवेचना प्रचलित है।